Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugdha EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका इन बिसेन न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज दिल्ली सचिवालय में सभी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का कहना है कि मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में उनकी पार्टी के सांसदों और विधायकों को आमंत्रित नहीं किया गया है। इसराइल हमास जंग के बीच अमेरिका ने एक बड़ा फैसला किया है। पेंटागन ने कहा है कि बढ़ते तनाव के बीच वह अपने 300 सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन शुक्रवार को इसराइल का दौरा करेंगे। जंग के बीच यह उनका दूसरा दौरा होगा। उत्तराखंड सरकार ने करवा चौथ को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। इसराइल ने गाजा के जबालिया कैंप पर भीषण हमला कर दिया है। इस हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे 53 पर हुए इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तेलंगाना में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मंगलवार को भी उन्होंने तेलंगाना के कोल्हापुर में एक विशाल रैली को संबोधित किया था। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने लगातार चौथी जीत दर्ज की है। भारत ने जापान को 2-1 से हराकर जीत का चौका लगाया है। इसराइल ने अपने ताजा हमले में उत्तरी गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर को निशाना बनाया है। हमले में 50 लोगों की मौत हो गई, तो वही 150 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का विवाद जगजाहिर हो चुका है, लेकिन राजस्थान में भी राष्ट्रीय लोक दल को कांग्रेस के एक बड़े फैसले का झटका लगा है। ब्लूजेट हेल्थ केयर के आईपीओ के 340 रुपए के प्राइस बैंड के सामने पैसा लगाने वाले निवेशकों को हर एक शेयर पर 34 रुपए का लिस्टिंग गेन हासिल हुआ है। मनोज जरांगे ने धमकी दी कि अगर मराठा समुदाय को पूर्ण आरक्षण नहीं दिया गया तो वे बुधवार शाम से पानी पीना बंद कर देंगे। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम 31 दिसंबर को अयोग्य सरकार को अलविदा कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान की 10वीं अनुसूची की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि महाराष्ट्र में वादा खिलाफी हो रही है। राज्य और केंद्र दोनों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल है। ये फिल्म अच्छा कलेक्शन नहीं कर पा रही है। कंगना रनौत ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के जश्न पर पंजाबी सिंगर शिव पर जमकर भड़ास निकाली है। एक्ट्रेस ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर सिंगर को खूब फटकार लगाई है। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान अब तक 7 में से महज 3 मुकाबलों में जीत दर्ज कर पाई है। हालांकि इसके बावजूद उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के दौरान स्टेडियम में दर्शक फिलिस्तीन को सपोर्ट करते दिखे। कोलकाता के ईडन गार्डन में दर्शकों ने फिलिस्तीन का झंडा फहराया। बिग बॉस के घर में अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन के बीच काफी झगड़े हो रहे हैं। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।